आज की इस क्लास में हमने बात करनी है डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। जिसको मैनुअल डिज़ाइनिंग आती है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है डिजिटल टेक्सटाइल को सीखने का। और आजकल का जो दौर है वो ज़्यादातर जो है डिजिटल वर्क ही चलता है। डिजिटल टेक्सटाइल में आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन आप अपने डिज़ाइन सेल करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, और डिफरेंट वेबसाइट्स में जाके जो है आप अपने डिज़ाइन जो है इसके अगर आपको डिजिटल टेक्सटाइल आता है तो आप इसके डिज़ाइन जो है वो सेल कर सकते हैं। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप जो है अपने फ़ोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ फाइल का सिलेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आप चीज़ों को ड्रैग कर सकते हो अपने कैनवस के ऊपर दो फ़ोटोशॉप में। और हमने दो टूल सीखे थे जिसमें एक था मूव टूल और एक था रिक्टेंगल टूल। अब जो है अडोब फोटोशॉप मैं ओपन कर लेती हूँ। देखें वो उसी तरह से फाइल साइज़ आपसे मांग रहा है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो अगर जो है वो आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। इसमें देखें कि बहुत से साइज़ हमारे सामने आ रहे हैं, इसमें से रैंडमली मैं एक साइज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे पोस्टर मैंने साइज़ सेलेक्ट कर लिया है, और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये देखें आपको लेफ्ट राइट साइड पर जो है वो लेंथ विड्थ का ऑप्शन दे रहा होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से विड्थ लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से लेंथ लिख सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी का साइज़ क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं इसको रैंडम मैंने एक जो साइज़ पोस्टर का सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे सामने से इस तरह से ये कैनवस आ चुका है जो बिल्कुल वाइट है, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको दो मेथड बताए थे कि जिनके थ्रू जो है आप किसी भी इमेज को यहाँ पर ला के ड्रैग कर सकते हैं, अपने कैनवस के ऊपर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं मालूम तो आप जो है फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं किसी भी इमेज को उठा के ला रही हूँ और मैं अपने उधर कैनवस के ऊपर जो है वो ड्रैग कर लेती हूँ। जैसे मैं ये इमेज नहीं, इसका बैकग्राउंड नहीं है, तो हम कोई और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम इसमें से कोई पिक्चर जैसे कि हम इनमें से ये वाली पिक्चर जो है, ठीक है, ये पिक्चर मैं सिलेक्ट कर लिया। मैंने इसको ओपन विद किया है और फोटोशॉप में इसको ओपन कर लिया है। अब ये पिक्चर जो है वो हमारे पास है जिसको हमने ड्रैग किया था। अब आज की वीडियो में हमने सीखना है ये लैसो टूल, ठीक है। इस टूल का नाम लैसो टूल है। अगर आप ये नाम देखना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है लैसो टूल, ठीक है। ये टूल जो है वो किस काम हमारे आता है डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, आज हमने ये सीखना है। ये टूल जो है ये किसी चीज़ को बहुत नीटनेस से कट करने में हमारे काम आता है। जैसे कि हमने पहले टूल में देखा था रिक्टेंगल टूल में, वो एक एरिया को कट करने के लिए हमारे काम आता है। लेकिन ये जो है किसी भी चीज़ को नीट, छोटी सी चीज़ को कट करने में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। जैसे कि अगर कोई भी बहुत सी छोटी सी चीज़ है, कोई फ्लावर है, लीव है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ उसी चीज़ को जो है बहुत नीटनेस से कट करें, तब ये टूल यूज़ होता है। जैसे कि अभी मैं इस टूल को लेके आई हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं ये ग्रीन कलर का लीव जो है सिर्फ इसको कट कर लूँ और बाकी इमेज मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैंने देखें कि इसके लिए पहले ये लैसो टूल सेलेक्ट किया, उसको मैं उसके एजिस के साथ, ठीक है, अपने लीव के एजिस के साथ जो है वो उसको मैं लेके जा रही हूँ, ठीक है। मैंने लेफ़्ट प्रेस करके रखा हुआ है और मैं जो है वो इसके लैसो टूल के साथ एजिस को जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, देखें कि वो जो है मुझे बताने लग गया है कि अच्छा ये एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया है और ये एरिया आपका कट हो चुका है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब इसको देखें अपने कैनवस के ऊपर लेके आने के भी दो तरीके होते हैं। जैसे कि मैं मूव टूल सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं मूव टूल से सिंपल इसको उठा लिया, लेफ़्ट क्लिक करके रखे अपने कैनवस के ऊपर लेके आई हूँ, और मैंने जो है वो यहाँ पर ला के सिंपली इसको ड्रैग कर देना है। जैसे ही मैंने इसको देखें छोड़ा है तो ये यहाँ पर आ गया, ये साइज छोटा है। बड़ा करने के लिए इसको लास्ट में मैंने बताया था कंट्रोल टी प्रेस करना है, तो ये बाउंड्री आपके सामने शो कर देगा जिसके थ्रू आप इस चीज़ों को बड़ा कर सकते हैं, उनका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। और मैंने फिर इसको एंटर किया तो वो पिक्चर भी क्लियर हो चुकी है। अब आप देखिए कि जैसे लैसो टूल के साथ हमने एक लीव को कितने नीटनेस से कट कर लिया है, ठीक है। आप जो है वो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जो है वो उसमें से कोई छोटा सा पार्ट उठा के यूज़ करना चाह रहे होते हैं, पूरी चीज़ें यूज़ नहीं करना चाह रहे होते हैं इस पिक्चर की,
तो ये लेसो टूल जो है उस पर्पज़ के लिए आपके लिए बहुत यूज़फुल होता है। अब सेकंड तरीका जो मैं अगर आपको बता दूँ, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया था, इसमें से हम ये सर्कल जो है वो उठा लेते हैं। अब देखें कि मैंने लेसो टूल सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने लेफ़्ट प्रेस करके रखा है, इसके एजिस को जो है मैं इसके एजिस के साथ जो है वो मैं बस इसको जो है लेके जा रही हूँ लेसो टूल को। अब देखें जैसे मैंने इसको कर लिया है तो वो शाइन कर रहा है, वो बता रहा है कि ये एरिया जो है वो आपने जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, अब ये एरिया आप यूज़ कर सकते हो। अब सेकंड तरीका जो है इस पिक्चर को, इस चीज़ को आप जो है इतने से एरिया को दूसरे कैनवस के ऊपर लेके जाने का तरीका ये है कि अब देखें कि आप जो है वो इतना से एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी प्रेस जैसे कि आपने ये देखें ये कट हो गया, अब ये मूव कर रहा है लेकिन अभी हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। कंट्रोल सी से हमने इसको कट कर लिया, अब हम अपने कैनवस के ऊपर जाते हैं, कैनवस के ऊपर आके हमने फ़ौरन कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। कंट्रोल वी प्रेस करते ही जो है वो हमारे सामने जो है वो यहाँ पर सर्कल आ चुका है, मतलब कि यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो आप इसका साइज़ बढ़ा करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करें अगेन, और जो है वो इस तरह से ये देखें साइज़ आपके सामने बड़ा हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ईजीली जो है वो चीज़ों को कट पेस्ट करके तो अपनी मर्ज़ी से जो है वो ला के यहाँ पर रख सकते हैं और इनको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब आप छोटी सी किसी भी चीज़ को, किसी भी लीव को अगर चाह रहे हैं यूज़ करना तो आप इस जो टूल के थ्रू जो है वो बहुत इजीली जो है वो उनको कट करके ला के पेस्ट कर सकते हैं अपने कैनवस के ऊपर, ठीक है। तो अब देखेंगे ये जो चीज़ें जब हम इसको कैनवस के ऊपर लाते हैं तो इनका साइज़ इतना छोटा क्यों होता है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये पिक्चर प्रॉपर एक पूरी पिक्चर है, उसमें से हमने छोटा सा एक लीव उठाया, तो डेफिनेटली जब हम इसको एक बड़े से कैनवस के ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइज़ छोटा है तो ये छोटा ही शो करेगा, हमें इसे बड़ा करना पड़ेगा। अब हम किसी और पिक्चर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि इनमें से मैं कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर रही हूँ, तो जैसे कि मैं इसमें से कोई भी पिक्चर उठाती हूँ, एक सेकेंड में ज़रा देख लूँ कि हम किस पिक्चर के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि ये पिक्चर मुझे अच्छी लग रही है, मैंने इसको क्या किया इसके ऊपर क्लिक कर दिया और ये देखें हमारे पास पिक्चर्स आ चुकी है। अब हम एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो ना रहे। अब फिर से लेसो टूल जो है वो सिलेक्ट करें और इसमें से हम पिक्चर्स में से कुछ भी कट कर लेते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो है क्लियर पिक्चर देख सकें तो देखें आपको हाथ नज़र आ रहा है, हाथ का साइन है, उसके नीचे जो है जूम आपको ऑप्शन आ रहा होगा जूम टूल का। आप जूम टूल सेलेक्ट करके एक बार पिक्चर के ऊपर ला के क्लिक करेंगे तो वो जूम हो चुका है। जूम टूल के थ्रू जो है आप इजीली चीज़ों को बहुत नीटनेस से कट कर सकते हैं क्योंकि वो आपको क्लियर नज़र आती हैं, बड़ी नज़र आती हैं। अब देखिए मैं लेसो टूल के थ्रू जो है वो इन दो फ्लावर्स को उठाने लगी हूँ, जैसे कि मैंने इसको लेफ़्ट प्रेस करके रखा हुआ है और लेसो टूल के साथ जो है मैं दोनों फ्लावर्स के जो एजिस हैं उनको जो है वो साथ साथ में कवर कर रही हूँ। अब देखिए मैंने इतना उसको कट कर लिया, जैसे कट किया है वो बता रहा है कितना एरिया आपका जो है वो कट हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको उठा के मूव टूल के साथ सिंपली अपने कैनवस पे लेके जा रही हूँ और जाके मैंने क्या किया यहाँ पर लाके जो है फेंक दिया, यहाँ पर ला कर छोड़ दिया तो वो पिक्चर जो है वो हमारे सामने आने लगे हैं। देखें जैसे ये पिक्चर मैंने छोड़ा है, पिक्चर हमारे सामने आ गया है। अब इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ अगेन बढ़ा करने के लिए आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसके देखें बाउंड्री बन गया, बाउंड्री के थ्रू हम क्या कर रहे हैं इसको हम बड़ा कर रहे हैं। तो हम सिंपल जो है अभी देखें हम बड़ा कर रहे हैं तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी पिक्चर मुझे चाहिए, मैं चाह रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है और मैं अब इसको एंटर प्रेस कर रही हूँ तो अब देखें कि ये पिक्चर हमारे सामने जो है वो थोड़ा क्लियर हो चुकी है और इसी तरह से जैसे हमने कट की थी सब उतना सा पार्ट जो है वो कट होके हमारे सामने आ चुका है। तो बेसिकली जो लेसो टूल है वो चीज़ों को कट करने में, उनको जो छोटी से छोटी चीज़ भी आप चाह रहे हैं उसको कट करने में आपकी हेल्प करता है। आज की वीडियो में हम जो है वो सिर्फ एक ही टूल को यूज़ करेंगे जिसका नाम है लेसो टूल, और आप इसकी प्रैक्टिस करें, फर्दर जो है वो फिर हम बाद में इसको करेंगे। आज की वीडियो में हमने सिर्फ लेसो टूल के बारे में सीखा है कि आप जो किस तरह से चीज़ों को कट पेस्ट कर सकते हैं नीटनेस के साथ, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में जाके। तो अभी बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।